भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अभद्र भाषा में गाली देना व अभद्र भाषा का प्रयोग करके कारण फूलबाग थाना भिवाड़ी पर दिया धरना। उक्त दोषी नवीन जाट निवासी महेश्वरी धारूहेड़ा का रहने वाला है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अभद्र भाषा में गाली देकर अपमानित कर रहा था और जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण कभी भी जातीय हिंसा की वजह से दंगा भड़क सके, जिससे कि सांप्रदायिक आपसी सौहार्द बिगड़ने का पूरा पूरा अंदेशा है। वह विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को गाली देना ये समझो कि भारत देश को गाली देना है, जिसके कारण जातीय हिंसा फैलाने वाले दोषी नवीन जाट को अविलंब गिरफ्तारी कर कानूनी कार्यवाही करने के लिए भिवाड़ी थाना फूलबाग में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। इस मौके पर ओम प्रकाश जाटो, मोहित जाटो, जितेंद्र चिरंजीलाल, मोहित राजू, सोनू मोनू, बलवंत दलवीर आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरा मामला है, कोई नवीन जाट है जो महेश्वरी गाँव से, जिसका पता लगा है, तो उसने बाबा साहब को बहुत ही अभद्र भाषा में टिप्पणी करी है, गाली गलौज दी है, जो बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता है जिससे देश चलता है पूरा, तो उस तरीके से उसको नहीं बोलना था, और कानूनन अपराध है, उसे जेल होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कि आज उसने किया है, जिससे कि आगे से कोई इस तरीके से टिप्पणी ना करे, और सभी समाज के अंदर जो ऐसी समाज है खास करके उसके अंदर बहुत आक्रोश है, जिसकी कम से कम 10 जगह FIR हो चुकी है, और हम पूरी समाज के सभी लोग थाना फूलबाग में आए हुए हैं, जिसके FIR कर दिए और यहाँ से जिप्सी गई हुई है उसे उठाने के लिए, जहाँ भी वो मिलेगा उसे उठा के लेकर आएगी, जब तक हमारी यहाँ युवा साथियों की और समाज की जो भी लोग बैठे हैं यहाँ, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा। उन्होंने 2-3 घंटे का बोला है, अगर 2-3 घंटे में गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम आज का वेट करेंगे, कल यहाँ जन सैलाब होगा।